शुरू करेंगे वो इस हालत के हिंदू वरना जो ताली लेकिन अगर आलिम नहीं तो इल्म हासिल करने वाला वरना नंबर थ्री औलमा की सोहबत में बैठने वाला या तो आलिम हो या ताली लेकिन हो ये भी ना हो तो औलमा की सोहबत में बैठने वाला वरना नंबर चार फरमाते हैं कि औलमा से मोहब्बत करने वाला जो इल्म वाले हैं जिनको अल्लाह ने भी पता फरमाया है और जो इल्म से दूसरों से मुमताज हो उनसे मोहब्बत करने वाला चार बयान फरमाई तो फिर पांचवी बात मेरे आका ने बयान फरमाई वो बड़ी बड़ी काबिल गौर है हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि पांचवा नाम अगर बनेगा तो हलाक हो जाए। अब आप अंदाजा कीजिए कि इन चार चीजों की जिद क्या है। आलिम की जिद जंग चाहे बनेगा द्वारा हलाक हो जाए और तालिब इल्म हासिल करने वाला उसकी जिद ना करने वाली और एक है उन्होंने बैठने वाला दूसरा किसी तरह तो नहीं बैठने वाला और एक है से आलिमों से प्यार करने वाला और इसकी जिद है आलिम से प्यार न करने वाला। ये चार चीजें ऐसी हैं अगर नहीं होगी तो हलाक हो जाए। कि आपका एक वादा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान पर जिसको मैंने अपने अंदाज में मजबूत तबीश आज हम कारोबार करते हैं और कारोबार करते हैं तो साल में या एक दफा या छह महीने में एक बार या महीने में एक दफा या हफ्ते में एक दफा हम बैठ कर सब देखते हैं और रिपोर्ट लेते हैं क्या क्या काम किया किस तरह काम हुआ कितनी प्रोडक्शन हुई कितनी सेलिंग हुई कितना मामला है करते ना। ये हम तो एक टाइम में करते हैं लेकिन शैतान जो है शैतान के बीच वो रोजाना समंदर के बीच में पतक लगाता है और सारे चेहरे इस काल होते हैं। अब शैतान पूछता है आप बताओ क्या किया आज। एक कहता आज मैंने चोरी करवा दी किसी से आज मैंने डाकर करवा दिया आज मैंने मदद करवा दिया आज मैंने किसी से जिना करवा दिया आज किसी को जुआ करवा दिया आज किसी को शराब करवा दी। अपने अपने कारणों में जो किए होते हैं वो जिक्र करते हैं। एक आता है शैतान को कहता है कि मैंने आज एक बच्चा जो है वो मदरसे जा रहा था मैंने उसको आज मदरसे की छुट्टी करवा दी। ये सुन तो शैतान बड़ा खुश हो खड़ा हो गया बस बड़े लगा तो खूब शराब की। अब बड़े बड़े शैतान मौजूद थे उन्होंने बड़े बड़े काम करवाए थे सारे हेल्प करते हैं हम भी तो बड़े बड़े काम करवाए लुटवाए हमने चोरियां करवाई हमने जिना करवाए शराब पिलाई हमने इतने बड़े बड़े गुनाह करवाए हमें कोई शाबाशी नहीं और इसने एक बच्चे को मदरसे जाने से रोक दिया उस पर इतनी शाबाशी उसको उतना प्यार उसको इतना दिल लगा दिया। ये बात क्या है शैतान ने कहा आओ मैं दिखाता हूं बात। बात ये है कि शैतान जो है वो इंसानी शक्ल में एक रास्ते में खड़ा हो गया सुबह सुबह फजर का वक्त एक जाहिर घर से निकला जाहिर कसरत से इबादत करने लगा जाहिर इबादत करता रहता है इल्म नहीं होता। एक जाहिर कसरत से इबादत करने वाला फजर की नमाज में जा रहा था शैतान ने कहा सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम मुझे आपसे एक मसला पूछना है। हाँ फरमाइए। मैं एक मसला यह है कि ये सुई का ये सुराख है ना क्या अल्लाह ताला इस बात पर कादर है कि इस पूरी दुनिया को इस सुई के सुराख से गुजार सकते। तो वो जाहिर था ना आलिम तो था मेरे आका फरमान था कि एक जाहिर आलिम जो है वो हजार जाहिर पर फर्ज करता है। एक आलिम तो उसे सोचा था अरे इतनी बड़ी दुनिया और इतना सुराख खुला कैसे हो सकता है वो तो गया काम से वो जाहिर का ईमान ही रखता। फिर थोड़ी देर बाद एक आलिम साहब बोले कोई शैतान आया सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम मैंने कुछ मसला मैंने कुछ टाइम नहीं पर ये मसला ये है कि क्या अल्लाह तला इस बात पर कादिर है कि इस पूरी दुनिया को सुई के एक सुराख से गुजर। तो उस आलिम ने कहा ला अवला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह
स्त्री का सुराग की बात करता है, ऐसी सुराग के करोड़ में हिस्से से मेरा बचा है तो जिन करोड़ों दुनिया को गुजर क्या बात ने दिखाया तो ये गुजर उस बच्चे को इस शैतान ने मदरसे जाने से रोक लिया। अगर वो बड़ा होता इन हमसे करता तो हम इस पर कंट्रोल नहीं कर सकते थे, लेकिन उसने ये काम किया तो ये इल्म जो है वो बहुत बड़ी चीज होती है और इस इल्म के हवाले से ये काबिल हो रही है और उसकी एक बहुत अच्छी बात है। हमें तो यहाँ पाकिस्तान में तो बड़े मौके हैं, हमारे पास बड़े स्कूल हैं, बड़े कॉलेज हैं जहाँ हमें अपना माहौल मिलता है क्योंकि हमें मुसलमान मुल्क रहते हैं क्योंकि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। हमको वहाँ मसायद नहीं, लेकिन जब यहाँ आते तो जरूरत है कि यहाँ कोई ऐसी दीनी ऐसी मुसलमानों की तदगा हो जहाँ हमारी बच्चियों की इज्जत न हो। मैं काफी अच्छे से लेट आता हूँ और मैं अल्हम्दुलिल्लाह देखता हूँ इस बात का मैं तकरीबन मुसलसल उत्वादक इस बात का इजहार करता रहता हूँ कि मैंने इंग्लैंड में भी नौजवानों को देखा है जिनके चेहरे में दाढ़ियाँ जिनके सरों पर ईमान है जिन तो टोपी है मैंने देखे और कई ऐसे हैं जो बिल्कुल बिगड़े हुए जिनको पता ही नहीं मुसलमान होता कौन है। तो इंग्लैंड में तो वो भी रहते हैं ये भी रहते फर्क क्या है ये नए क्यों है वो बदबद क्यों हो गए। बात असल ये है कि सोहबत अच्छी मिली। आज भी इंग्लैंड में ऐसे माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को अच्छी सोहबत दे रहे हैं और उस अच्छी सोहबत का नतीजा ये कि उनकी औलाद उनकी आंखों का नूर है, आज उनके सरों पर इमाम है, आज उनके चेहरे पर सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी है, आज उनके लिबास को देखें तो असलाह की याद ज्यादा लगती है मामला यह है कि जहाँ हमने ऐसे स्कूल्स वगैरह भी खोलने हैं और उसमें मदद भी करनी है वहाँ हमें अपने आप को सुनना हमें अपने आप की भी इसका करनी है हमें ये इल्म हासिल करना है कि बच्चों की तरबियत कैसे करनी चाहिए। तो मेरे भाइयों खूब गौर करें खूब गौर करें और अपने और अपने आने वाली नस्लों की जो है वो इज्जत की बल्कि सबसे बड़ी बात ईमान की बात है। ये बहुत ही आजमाइश वाली जगह है कि यहाँ गुना बहुत आसानी से होते हैं और गुना को यहाँ लोग गुना नहीं समझते तो जिस जगह ऐसे ही हालत हो जाए तो वहाँ हमें बहुत ज़्यादा जरूरत होती है कि अपने बच्चों पर बहुत ज़्यादा नजर रखें। और यहाँ के जो कानून भी बड़े अजीब हैं कि बच्चा जो है वो उसको बाप मार नहीं सकता तो हम ऐसी नौबत की माने दे कि हम बच्चे को मारें। शुरू से इसको इसकी तालीम दें इतनी प्यारी तालीम थी इस्लाम की तालीम इतनी प्यारी है कि जो लोग दूर है ना दीन से वो कहते हैं यार उन लोगों ने बड़ा मुश्किल कर दिया इस्लाम को। ना 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 बाबा ना हमने मुश्किल नहीं की आप दूर हो गए हो इसलिए मुश्किल लग रहा है। तो इस्लाम बहुत प्यारा मजहब है उसकी तालीमत बहुत प्यारी है और कुरान गवाह है इस बात का। कुरान कहते हैं लफ जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना बेहतरीन जिंदगी का कौन सा शोभा है जो हम समझते होंगे जिन्हें हमें हिदायत वैसे नहीं जिसने हमें कोई आसमानी हमें बताई नहीं गई जिसने हमें कोई ज्यादा हयात नहीं दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह कर सकते हैं तो हमसे पूरी जिंदगी को देखा जाए यकीनन प्यारा का इजाजत जिंदगी जो है वो हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। आज अखियार ने वो बातें अपना ली है जो मुसलमान को अपनानी चाहिए। अल्लाह ताला हमें अपने इस्लाह अपने अमान की इस्लाह नसीब फरमाए और अच्छे अच्छे काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं पिछले कोई संडे से जो है मैं बीमार हो गया। वो एक शेर है कि मकतबे इश्क का दस्तूर निराला थे मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा इसको छुट्टी न मिली इसने सबक याद किया तो सबक याद किया था मैंने इसने भी छुट्टी नहीं की। मैंने ऐसा कि आप चाहें तो मुझे छोड़ दें और किसी और को भी आप बुला सकते हैं बुला लीजिए मेरी तबीयत ठीक नहीं है
اور مجھے آنا تھا والد سے, لیکن میں اتنا بیمار تھا کہ مجھے ہمت نہیں. بارہ بڑی ہمت کر کے اینٹی بایوٹکس کھا کے تھوڑا بہت فٹ ہو کے آج شام کو میں بالکل اثر کے وقت کے ختم ہونے سے کچھ پہلے پہلے پہنچا, اور اثر پڑی الحمد للہ. اور پھر وہی مغرب پڑی ایئرپورٹ پہ, پھر وہاں سے نکلتے نکلتے میں یہاں پہنچا ہوں. بس گھنک آیا ہے, حاضر ہو گیا ہوں. نیند بالکل نہیں ہوئی, کمر بالکل ٹوٹی بھی ہے, ویسے گناہوں کے بوجھ میں ویسے ہی توڑا ہوا. اوپر سے سر سفر کی تھکاوٹ بھی ہوتی ہے. میرے آقا کا فرمان حق ہے, آقا نے فرمایا کہ سفر عذاب کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا. لیکن یعنی سفر پر ہوتا ہے تو تھکاوٹ تو بہت ہے, طبیعت اتنا ساتھ ہے, لیکن الحمد للہ حاضر ہوں. جتنا میرے آقا نے چاہا ان کی دوڑ پر اتنا میری